हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों, मैं गणित विषय गुरुकुल से अजय सोनी स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के बहुत महत्वपूर्ण टाइप को डिस्कस करेंगे, जिसे हम ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं या साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से जानते हैं, जिसका प्रकार है dx अपॉन p के बराबर dy अपॉन q के बराबर dz अपॉन r। इस तरीके का जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई देता है उसे हम ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। कंसिडर द फॉर्म, ये जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म दिया है इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे कुछ जनरल बातें लिखी गई है, इसके बाद इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड्स का उपयोग किया जाता है। कुछ मेथड्स हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इसकी जनरल थ्योरी को हम लोग देख लेते हैं। यदि इस तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हुआ है तो हमें दो इंटीग्रल कर्व्स लेकर आना है। कहने का मतलब है मुझे दो सॉल्यूशन लेकर आना है, दो कर्व लेकर आना है, इंटीग्रल सॉल्यूशन लेकर आना है। यदि मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मुझे इस प्रकार से p1 dx + q1 dy + r1 dz = 0 एंड p2 dx + q2 dy + r2 dz के बराबर 0, इस प्रकार के दो इंटीग्रेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस मिल रहे हैं। इंटीग्रेबल डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है। इंटीग्रेशन करने के बाद जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा उसे हम इंटीग्रल सॉल्यूशन या इंटीग्रल कर्व्स कहते हैं। मान के चलो ये जो हमारे पास पहला जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसे हम इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन ले लेते हैं, तो हमें इस प्रकार से पहला कर्व मिलेगा, इसका सॉल्यूशन हमें मिलेगा फर्स्ट सॉल्यूशन। और जब हम इस प्रकार के यानी कि p2 dx, q2 dy, r2 dz को जब हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन लगा के, तो हमें दूसरा कर्व मिलेगा vxyz इक्वल टू c2 के फॉर्म पे। तो ये जो uxyz का मतलब है u, ऐसा इंटीग्रेशन हमें मिलेगा वो x, y और z के फॉर्म पे रह सकता है। v ऐसा हमें सॉल्यूशन मिलेगा v, जिसे हम xyz के फॉर्म पे लिख सकते हैं, या मिलेगा हमें xyz के फॉर्म पे के बराबर कोई भी कांस्टेंट मिलेगा। ऑब्वियसली अगर फॉर एग्जांपल यदि आप xdx + ydy + zdz को सॉल्व करें इक्वल टू 0, इसका इंटीग्रेशन ले ले, तो इंटीग्रेशन ऑफ x हो जाएगा x2/2 + हो जाएगा y2/2 + z2/2 इक्वल टू एनी कांस्टेंट। 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाल के हम c के पास भेज देंगे, तो हमें मिलेगा x2 + y2 + z2 इक्वल टू 2 * कांस्टेंट विच इज़ नॉन एज c1। तो इस प्रकार से देखिए हमें इस तरीके से एक कर्व मिला है यानी सॉल्यूशन मिला है। तो x, y, z दोनों तीनों ही हैं इसमें, uxyz इक्वल टू c1। इसी प्रकार से कोई c2 वाला हमें सॉल्यूशन मिलेगा, तो इस प्रकार के दो सॉल्यूशन हमें मिलेंगे। तो ये जो सॉल्यूशन है इसे हम लोग अगर सेपरेटली पढ़े तो ये दोनों, अगर दोनों कर्व को सेपरेटली तो ये प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं, और इन दोनों को कंबाइन देखा जाए, अगर इनको कंबाइन पढ़े हम कंबाइन लिखे तो इसे हम कर्व ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं, जिसका मतलब होता है इंटीग्रल कर्व, मतलब फाइनल सॉल्यूशन, इंटीग्रल सॉल्यूशन। हैंस द इंटीग्रल कर्व्स ऑफ वन, इस इक्वेशन के जो इंटीग्रल कर्व्स है मतलब जो सॉल्यूशन है, इंटीग्रेबल जो सॉल्यूशन है, फॉर्म अ टू पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स। दो कर्व्स हमारे बन रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ लिखा है कि ये क्या बनाता है, टू पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स को फॉर्म करता है। तो ये तो जनरल थ्योरी थी, यहाँ से हम लोग कुछ मेथड को देखते हैं। मेथड फॉर सॉल्विंग dx अपॉन p, dy अपॉन q, dz अपॉन r, इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तीन मेथड है हमारे पास, ठीक है। टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशन वी हैव सम मेथड्स हियर, हमारे पास कुछ मेथड्स है, जिसमें कि पहली मेथड है मल्टीप्लायर मेथड। मल्टीप्लायर मेथड यानी कि मैंने यहाँ पे नाम दिया है, ऐसा कोई नाम नहीं है, मेथड्स तीन हैं, 1, 2, 3, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से, ताकि आपको समझने में आसानी जाए, इसलिए मैंने इसे मेथड नंबर 1 मल्टीप्लायर्स मेथड का नाम दिया। मान के चलिए इस तरीके से dx अपॉन p, dy अपॉन q, dz अपॉन r का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया है, इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया है। वी फाइंड p'q'r'। यहाँ पे जो आपको p'q'r' दिखाई दे रहा है ये मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर का मतलब होता है मल्टीप्लाई होने वाले। हम ऐसे मल्टीप्लायर्स लेंगे, ये पहला सेट है p'q'r' का,
उसी प्रकार दूसरा एक सेट है यहाँ पे P"Q"R" का, ये एक दूसरा मल्टीप्लायर का सेट है। हम ये पहला सेट ले रहे हैं, पहला सेट का मतलब है हम ऐसे कुछ वैल्यूज़ ले रहे हैं जिसे हम इसके पी क्यू और आर से नीचे से और ऊपर DX DY DZ से मल्टीप्लाई करने पे हम इसे ऐड कर दे तो हमें जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो मिले। कहने का मतलब यदि मैं P'Q' और R' को ले रहा हूँ तो मैंने ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। जैसे मैं उसे ऐड करूँगा तो ये जो नीचे की वैल्यू है, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है, वो कभी भी आपकी ज़ीरो आनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं आ रहा है तो वो सेट ऑफ मल्टीप्लायर हमने गलत लिया है। एग्जाम्पल में और हम डिटेल में समझेंगे इसे, फिलहाल हम लोग जनरल थ्योरी देख रहे हैं, जनरल हम लोग बातें कर रहे हैं। इसी प्रकार क्या होगा, जब मैं दूसरा सेट लूँगा तो दूसरे सेट को जब मैं ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करके ऐड करूँगा तब मैं ये देखूँगा कि डिनोमिनेटर ज़ीरो हो रहा है या नहीं। तो डिनोमिनेटर यदि ज़ीरो हो रहा है तो ये जो वैल्यू है ऊपर न्यूमरेटर में P'Dx+Q'Dy+R'Dz के बराबर ज़ीरो, ये इंटीग्रेबल हो जाएगी। इंटीग्रेबल मतलब यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है P'Dx+Q'Dy+R'Dz=0, ये जो बीटा इक्वेशन है हमारा ये इंटीग्रेबल हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन लेंगे जैसा कि अभी मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था छोटा सा, यदि हम उसका इंटीग्रेशन लेते हैं तो हमें एक कर्व मिलेगा। उसी प्रकार दूसरा सेट लेने पर डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा और फिर हमें न्यूमरेटर की वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो मिलेगी, उसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें दूसरा कर्व मिलेगा। ये जो दो कर्व हमारे पास आए हैं यही हमारे इंटीग्रेबल कर्व्स होंगे, यही हमारा इंटीग्रेबल सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे ये जो P'Q' R' क्या है, मल्टीप्लायर है। P'Q" R' क्या है, हमारे पास मल्टीप्लायर है। मल्टीप्लायर मतलब ऐसी वैल्यू जिसे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे और डिनोमिनेटर हमारा ज़ीरो आ जाए तो फिर हम लोग न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे और कर्व्स लेकर आएंगे। इसे समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम लोग एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2, दो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। एग्जांपल नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें Px/Py/Q=DZ/R के बराबर इस तरीके से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, ऑक्सिलरी सिस्टम दिया है। इस तरीके से ये Px/Py/Q और DZ/R के बराबर दिए दोनों के दो, ठीक है। सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स लेंगे, मल्टीप्लायर मेथड्स के द्वारा हम लोग इन दोनों एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हमें सेट ऑफ मल्टीप्लायर लेना है। सेट ऑफ मल्टीप्लायर में पहला सेट लेना है, ठीक है। एक यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं XYZ एज अ फर्स्ट सेट ऑफ मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर्स का मैं पहला सेट ले रहा हूँ जिसे हम लोग P'Q' और R' से डिनोट करेंगे। अभी आप लोगों को बताया P'Q' R' पहला सेट होगा, दूसरा होगा "" वाला, ठीक है। तो पहला सेट हम लोगों ने लिया है, ये जो XYZ आप लोगों ने ली है वैल्यू, XYZ सेट लिया है, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ईच रेशियो हम लोग बनाएंगे, ईच रेशियो यानी ER जिसे हम लोग करेंगे, ईच रेशियो क्या हो जाएगा, X से पहले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे XDX, दूसरी Y से दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे, Z को तीसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे ZDZ। न्यूमरेटर में आपने XYZ से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करके ऐड करना है और XYZ से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर ऐड करना है। तो ये हो जाएगा X² है, आपने पूरे X से मल्टीप्लाई होगा तो X³ बन जाएगा, X³ Y³ - Z³ + Y³ Z³ - X³ + यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा Z³ X³ - Y³। यदि आप इसे सॉल्व कर रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं XDX + YDY + ZDZ / X³ Y³ यहाँ पर है और Y³ - X³ यहाँ पर है, तो ये सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल कर लेंगे, आप सॉल्व करके देखेंगे तो आप डिनोमिनेटर में जीरो मिल रहा है। कहने का मतलब मैंने ऐसा सेट लिया जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर मुझे डिनोमिनेटर जीरो मिल रहा है। यदि ऐसा नहीं है तो सेट ऑफ मल्टीप्लायर हमारे काम का नहीं है। सेट ऑफ मल्टीप्लायर कुछ भी हो सकता है, ऐसी वैल्यू हो सकती है जिससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके ऐड करने पे डिनोमिनेटर हमें जीरो मिले, बस इतना सा चेक करना है। हियर पर हम लोग कहेंगे XDX + YDY + ZDZ के बराबर जीरो, ये जो न्यूमरेटर है के बराबर जीरो, ये हमारा इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसे जब हम इसका जब हम इंटीग्रेशन लेंगे
तो हमें सोल्यूशन मिलेगा ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट। अगर हम इसका इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो किस तरीके से मिलेगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ z dz के बराबर 0, x square by 2 plus y square by 2 plus z square by 2 equals to any constant c। 2 कॉमन निकाल के c के पास भेज देंगे तो हमें क्या मिल रहा है, x square plus y square plus z square equal to 2c, that means 1। पहला टर्म मिल गया हमको, पहली वैल्यू मिल गई, दूसरी एक और निकालनी है, दूसरा से देंगे टेक 1 upon x square, 1 upon y square, 1 upon z square as a second set of multipliers, जिसे हम लोग p double dash, q double dash के नाम से जानते हैं, ये दूसरा set लिया है। इसमें भी each ratio निकालेंगे, each ratio के बराबर, पहला लिया है 1 by x square, पहले को ऊपर और नीचे से multiply करेंगे 1 by x square dx, दूसरे को भी multiply करेंगे 1 by square dy, तीसरे को भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 by z square dz और ऐड कर देंगे। जैसे आपने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करके ऐड किया है, डिनोमिनेटर में भी कीजिए 1 upon x square into, ठीक है, 1 upon x square y cube minus z, तो x square तो निकल गया है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग, y cube minus z cube plus, यहाँ से y square निकल जाएगा, z cube minus x cube plus, यहाँ पे क्या रह जाएगा, x cube minus y cube। तब आप देखेंगे यहाँ पे denominator 0 है, y cube minus y cube minus z cube plus z cube, पूरी टर्म 0 के 0 हो रही है, 1 by x square dx plus 1 by y square dy plus 1 by z square dz divided में आ रहा है 0। अगेन हमने ऐसा सेट किया जिसका numerator और denominator पे मल्टीप्लाई करके ऐड करने पे हमें denominator 0 मिल रहा है, तो यही है सेट ऑफ मल्टीप्लायर की मेथड। तो यहाँ पे जीरो मिल गया है, अगर फिर से आप इसे सॉल्व कर लेंगे, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 1 by x square dx plus 1 by y square dy plus 1 by z square dz के बराबर 0, कहने का मतलब इसी इंटीग्रेशन लेंगे 1 by x square dx plus 1 इंटीग्रेशन 1 by y square dy इंटीग्रेशन 1 by z square dz equal to 0, तो हमें मिलेगा minus 1 by x minus 1 by y minus 1 by z equal to any constant। माइनस कॉमन निकाल देंगे हम, 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z equal to minus constant, कॉमन निकाल के कांस्टेंट के पास भेज देंगे, माइनस c को हम लोग c2 से नाम दे सकते हैं, तो ये हमारे पास देखिए c2 नाम का दूसरा कर्व मिल गया। तो ये जो हमारे पास कर्व मिला, ये पहला कर्व और ये दूसरा कर्व, दोनों के दोनों इंटीग्रल कर्व्स है, यानी कि इंटीग्रेबल सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के। ये पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, दूसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार से हम लोग यहां पे देखेंगे, समझिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, कि यहाँ पे भी कुछ सेट देना है, ठीक है, तो क्या ले सकते हैं हम लोग, ऐसी वैल्यू लेना है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पर मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर 0 आ जाए, टेक 1 1 1 एज अ फर्स्ट सेट ऑफ मल्टीप्लायर, ठीक है, मल्टीप्लायर का पहला सेट देंगे हम लोग, तो ईच रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, ईच रेशियो इक्वल टू 1 * dx प्लस 1 इंटू डी वाई प्लस 1 इंटू डी जेड डिवाइडेड बाय 1 इंटू में एक्स भी एज इट इज रहेगा एक्स वाई माइनस जेड, तो 1 इंटू कर देते हैं प्लस 1 इंटू वाई जेड माइनस एक्स प्लस 1 इंटू जेड एक्स माइनस वाई। देखेंगे आप डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है क्या, एक्स इंटू वाई, वन का तो कोई मतलब नहीं है, एक्स इंटू वाई यहाँ पर है और ये माइनस वाई इंटू एक्स भी यहाँ पर है, तो हम देखेंगे 1 इंटू डी एक्स इज डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड अपॉन डिनोमिनेटर पूरा, इसका जब हम इंटीग्रेशन लेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, जैसे हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे इंटीग्रेशन dx प्लस इंटीग्रेशन dy प्लस इंटीग्रेशन dz इक्वल टू 0, 0 का इंटीग्रेशन यानी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 का हो जाएगा कांस्टेंट c, तो मिलेगा हमें x प्लस y, x dx का इंटीग्रेशन x, dy का इंटीग्रेशन y, dz का इंटीग्रेशन z इक्वल टू हमें मिलेगा कोई कांस्टेंट c। तो ये हमारे पास पहला सॉल्यूशन आ गया है, पहला कर्व आ गया है हमारे पास, पहला इंटीग्रल कर्व आ गया है। दूसरा एक और सेट ले लेंगे, टेक यहाँ पे 1 by x ले लेते, ठीक है, 1 by x, 1 by y, 1 by z as a second set of multiplier, second set ले लेते हैं मल्टीप्लायर का, देखते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके,
तो ये हो जाएगा बीच रेशियो इक्वल टू 1 by x dx plus 1 by y dy plus 1 by z dz। न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में भी ले लेंगे, 1 by x और x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास y माइनस z, यहाँ पे क्या बचेगा z माइनस x, और लास्ट में क्या बच रहा है आपके पास x माइनस y, y माइनस y कैंसिल हो रहा है, माइनस x प्लस x कैंसिल हो रहा है, माइनस z प्लस z, अगेन डिनोमिनेटर जीरो आ रहा है, कहने का मतलब 1 upon x dx plus 1 upon y dy plus 1 upon z dz divided by आपको जीरो मिला, और यही कंडीशन आपकी आनी चाहिए। log x plus log y plus log z प्लस लॉग ऑफ जेड इक्वल टू एनी कॉन्स्टेंट लॉग ऑफ सी टू का नाम दे देते हैं, लॉग ऑफ सी लॉग है यहाँ पे, ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू लॉग ऑफ सी टू, लॉग का हम यहाँ लेके आएंगे एंटी लॉग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई जेड इक्वल टू सी टू। फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, 1 1 1 फर्स्ट सेट लेंगे, 1 1 ई क्यू लिया, इसलिए हमने लिया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाई करके जब हम इसे ऐड करें तो हमें डिनोमिनेटर में जीरो मिले, तो 1 dx 1 1 1 तीनों से मल्टीप्लाई हुआ, 1 पहले से होगा, दूसरा 1 दूसरे से, तीसरा 1 तीसरे से मल्टीप्लाई होगा, ऐड करेंगे तो देखेंगे डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है, जैसे जीरो आया ऊपर जो न्यूमरेटर की वैल्यू इक्वल टू जीरो करके हम उसका इंटीग्रेशन ले लेंगे, जैसे उसका इंटीग्रेशन लेंगे पहला कर्व मिल जाएगा हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू सी वन। उसी प्रकार 1 by x 1 by y 1 by z एक ऐसी वैल्यू हम लोगों ने ले ली है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर डिनोमिनेटर जीरो, ये शब्द आप ध्यान में रखेंगे, तो यहाँ पे वैसा ही हो रहा है, डिनोमिनेटर अगेन जीरो आ रहा है, इसका हम लोग इंटीग्रेशन लेंगे, जैसे हम लोग इंटीग्रेशन लिया हमें सेकंड कर्व भी मिल गया, तो ये जो सेकंड कर्व है यही हमारा इंटीग्रल कर्व है और यही हमारा सोल्यूशन है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने स्टार्टिंग में कुछ जनरल बातें सीखी, जनरल बातें सीखने के बाद पहली मेथड देखी जिसके दो एग्जांपल हम लोगों ने देखे पहले और दूसरे, ऐसे और दो तीन एग्जांपल मैं इस फर्स्ट टाइप पर फर्स्ट मेथड पे लेने वाला हूँ मल्टीप्लायर मेथड पे। अगले वीडियो में हम लोग दो चार एग्जाम्पल्स और लेंगे, दो तीन वीडियो और बनेंगे इसी मेथड के ऊपर, और हर मेथड के ऊपर मैं कम से कम 2 से 3 वीडियो ज़रूर बनाने वाला हूँ। यदि आपको मेरा काम अच्छा लगा है, आज जो भी मैंने वीडियो के माध्यम से आप सभी को पढ़ाया है मल्टीप्लायर मेथड, यदि आप सभी को समझ में आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम साथियों, थैंक यू सो मच।